मकर संक्रांति पर तामिया में 12 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा, फिर भी अनहोनी में ज्वाला देवी कुंड में पानी उबलता रहा। इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए महिला पुरुष बुजुर्गों और बच्चों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो कि देर शाम तक जारी रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गर्म जलधारा कुंड में स्नान किया। मेला परिसर में कुछ दूरी पर लोगों ने भोजन पकाकर पूजन उपरांत वन भोज का लुत्फ भी उठाया। मान्यता है कि कपड़े में चावल बांध कर उसे इस कुंड में 2 मिनट ही डुबो कर रखने से वह पक जाता है, जिसे देवी का प्रसाद मानकर ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तहसीलदार योगिता वाजपेयी ने बताया कि यहां आगामी 18 जनवरी तक रहेगा। मटकुली थाना प्रभारी रविंद्र पवार ने बताया कि सबसे अधिक श्रद्धालु और पर्यटक मटकुली और तामिया की ओर से पहुंचे हैं, जिससे झिरपा मार्ग पर दिन में कई बार जाम की स्थिति बनी। इसके अलावा सभी जगह उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था रहने से यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मां कर्मा जयंती भंडारा समिति तामिया अध्यक्ष सुरेश साहू ने बताया कि यहां लगातार 17 वर्ष से भंडारा आयोजित हो रहा है। झिरपा रेंजर रोहित चतुर्वेदी ने बताया कि मेले में अस्थायी डिपो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की लकड़ियां बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।